इस वीडियो में तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम ऐसा क्या डिवाइस लगाएं कि आपकी जिंदगी 10 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, और अगले वीडियो में हम ऐसी बात करेंगे कि बिना कोई डिवाइस लगाए भी आप 10, 15, 20 साल अपनी जिंदगी के कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपने साईफाई मूवीज में कई बार देखा होगा, पर्टिकुलरली हॉलीवुड की मूवीज में बहुत बार देखा होगा कि फ्यूचर में चल के देयर विल बी रोबोट्स और ह्यूमनॉइड्स, जो कि एक इंसान धीरे 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 करके अपने सारे पार्ट्स चेंज करता जाता है और इवेंचुअली रोबोट की तरह बनता जाता है। बहुत सारी हाई प्रोफाइल मूवीज़ में तो जैसे आयरन मैन एंड कई सारी और मूवीज़ में इस तरीके की चीज़ें बहुत आम बात होती है। पैर कट गया तो दूसरा पैर लगा दिया, हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो हार्ट को बदल दिया, ऐसे कई सारे मूवीज़ में कई तरह के बायोनिक एंड आर्टिफिशियल दोनों तरीके के ऑर्गन्स को इंसानों में लगाना लगभग तय है कि फ्यूचर में होगा ही होगा। उसकी बात अगर छोड़ भी दें तो जैसे आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स, आर्टिफिशियल नीज, आर्टिफिशियल हिप्स, आर्टिफिशियल कई सारे ऑर्गन्स हम वैसे भी अभी भी लगा रहे हैं। हार्ट के वाल्व्स जब नेचर ने, भगवान ने इंसान बनाया था तो ये नहीं सोचा होगा कि इंसान इतना तिकड़म ही बन जाएगा कि नकली वाल्व दिल के अंदर बैठा देंगे। सो दैट वॉज द इनिशिएशन ऑफ वॉट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्थेसिस मूवमेंट इन मेडिकल साइंसेज, जहाँ सर्जन्स की वैल्यू बढ़ती गई और सर्जरी इस लेवल पे पहुँच गई कि हम बॉडी के अंगों को चेंज करने लगे। अब आज की तारीख में रिलायबली आँखों के लिए वी हैव आर्टिफिशियल रेटिनास, ईयर्स के लिए वी हैव आर्टिफिशियल हियरिंग एड्स विच कैन गो डाउन टू द ब्रेन डायरेक्टली, वी हैव आर्टिफिशियल लिम्स विच कैन वॉक ऑन योर कमांड। तो डायरेक्टली उनका ब्रेन से कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है, बट दैट इज द एस्टिमेटेड फ्यूचर। बट दीज आर नॉन वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स मतलब आपका दिल, फेफड़ा, किडनी, लिवर, ब्रेन। इन वाइटल ऑर्गन्स में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑर्गन होगा जो सबसे पहले एक रियलिटी बनेगा? यही टॉपिक है आज का, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा आप पहले से जानते होंगे, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी, कार्डियोथोरेसिक सर्जन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट पारस हॉस्पिटल इन गुरुग्राम। साथ ही साथ आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड कार्डियक सेकंड ओपिनियन। इस साइट पे हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जब कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रोसीजर किसी बच्चे में, नवजात शिशु में या बड़े बुजुर्ग में, जैसे भी व्यक्ति में हार्ट के प्रोसीजर के लिए अगर कोई एडवाइस दी हो तो उसके लिए हम सेकंड ओपिनियन देते हैं। और ये अनबायस्ड सेकंड ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी की गाइडलाइंस पर बेस्ड होता है। वॉट एवर वी एडवाइस यू, इट्स नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, इट इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस। सो गोइंग बैक टू द टॉपिक नाउ, अब आई एम श्योर आपसे कई लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कि अगर एक हार्ट सर्जन बात कर रहा है तो वो तो हार्ट होगा तभी बात कर रहा है, एंड दैट इज ट्रूथ। सो इस समय पे जो एक्टिवली हम बात करें कि किडनी, लिवर और हार्ट, ये तीन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि अगले 5 से 10 साल में रियलिटी बन जाएंगे। या वैसे अगर हम बात करें तो किडनी पहले हम लेते हैं। किडनी जैसे आप सब लोग जानते हैं इट्स अ वाइटल ऑर्गन, बट वाइटल ऑर्गन के साथ साथ इट इज़ काइंड ऑफ अ सेमी वाइटल ऑर्गन। अगर किडनी पूरे तरीके से ख़राब हो जाए या किसी इंसान की दोनों किडनीज निकाल भी दी जाए तो वो कई सालों तक, 10, 20, 25, 30 साल तक भी डायलिसिस पे जी सकते। अब डायलिसिस की लाइफ नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग होती है, जिसमें आपको हर किसी 2 दिन में या 3 दिन में अस्पताल में जाना पड़ता है, 3-4 घंटे की डायलिसिस करानी पड़ती है और फिर बाकी 2-3 दिन आपके निकलते हैं। तो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ का तो सस्टेनेंस ऑफ लाइफ डायलिसिस के जरिए बहुत होता है, बट वही चीज़ इम्प्लांटेबल किडनीज, दैट इज़ ऑलमोस्ट बिकमिंग अ रियलिटी और ह्यूमन ट्रायल्स उसमें चल रहे हैं। देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जिनको कि ह्यूमन ट्रायल्स, एनिमल ट्रायल्स की स्टेज तक अभी लेके आए हैं, एंड जल्दी ही वो फ्यूचर रहेगा। सो किडनी इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स डेफिनेटली जिसमें कि आर्टिफिशियल किडनी हम कुछ दशकों में तो एटलीस्ट मिल ही जाएगी, हो सकता है कुछ सालों में भी मिल जाए। आर्टिफिशियल लिवर इज़ अ ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट और बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है, क्योंकि लिवर ऐसा चीज़ है जिसमें कि लिवर सेल्स को ग्रो करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अब किडनी और हार्ट के सेल्स को ग्रो करके उनको ऑर्गन जैसा बना पाना बहुत मुश्किल होता है, बट लिवर में अभी जो इस समय मूवमेंट चल रहा है वो ये है कि लिवर के सेल्स को अगर कोई आर्टिफिशियल सरफेस पे लगा के उसको किसी तरीके से ब्लड वेसल से कनेक्शन दे दें तो लिवर आर्टिफिशियली अपने फंक्शंस करेगा, बिकॉज लिवर के ऑर्गन में बहुत स्पेशलाइज सेल्स उतने नहीं होते हैं। सो जो
फ्यूचर में देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल लिवर की शुरुआत तो बहुत लेट हुई बट वो बहुत तेजी से आगे प्रोग्रेस कर रहा है और आर्टिफिशियल लिवर ऑल्सो इज अराउंड द कॉर्नर। अब इस स्टेज पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आर्टिफिशियल हार्ट तो 1960s तक में बन गया था, आर्टिफिशियल हार्ट जो कि पूरे तरीके से इंसान के शरीर में लगा दिया जाए और उसके साथ वो हार्ट बीट चलता रहे, ये काम 60s में हो चुका है। Isn't it surprising for you? And isn't it wonderful to know कि दिल, जिसको हम ये मानते हैं कि मन है हमारा, सारा इमोशंस इसी में है, हार्ट ब्रेक, वैलेंटाइंस डे, ये सब चीज़ें दिल वाली, और ऑलरेडी आर्टिफिशियल दिल हम 60s से लगाते हुए आ रहे हैं। सो डॉक्टर लियोटा हु वॉज वर्किंग इन टेक्सास, उन्होंने जब शुरू शुरू में ये बनाया था तो देयर वॉज अ बिग हिस्टोरिकल चैप्टर इन आवर करियर और लाइव्स विच वी लुक अपॉन, कि आर्टिफिशियल हार्ट लगाने का प्रोसीजर आर्टिफिशियल वैल्व्स के थोड़े समय बाद ही हो गया था। ओनली उस समय पे बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी और बायो मटीरियल्स इतने अच्छे नहीं थे कि उसको बहुत लंबे समय तक रख सकते थे। बट देन फ्रॉम समथिंग लाइक 1990s एंड 2000s आर्टिफिशियल हार्ट इज़ अ रियलिटी। आज भी दुनिया में कई लोग आर्टिफिशियल हार्ट के साथ जी रहे हैं, ओनली प्रॉब्लम ये है कि बहुत महंगे हैं इसलिए आम जनता को मालूम नहीं होता। तो आई थॉट आई विल जस्ट टेल मोर एंड मोर, बिकॉज देखिए मशीनें जितनी भी फैंसी हों एक बार लार्ज स्केल पे बनने लगे तो उनकी कीमतें ज़रूर कम होती हैं और किसी न किसी दिन वो आम आदमी की रीच तक पहुँचेंगी। अगर आप वैसे देखें तो आपके जो फ़ोन्स हैं, आज के स्मार्टफोन्स हैं, इतना फैंटास्टिक उसमें टेक्नोलॉजी हर जगह लगी हुई है, शायद हार्ट के लिए उससे बहुत 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 कम फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी लगेगी। बस यही है कि रिसर्च उतना पैसा जितना फ़ोन में डाल रही है वो हार्ट में नहीं डाल रही है। या दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड टुडे। सो हार्ट को अगर आप देखें तो हार्ट इज़ एक्चुअली टू हाफ्स। भगवान ने हमारे दिल में इस तरीके से दिया है कि एक लेफ्ट वाला दिल अलग है, राइट वाला दिल अलग है, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। सो अधिकतर जब हम बोलते हैं हार्ट फेलियर तो हम रेफर करते हैं लेफ्ट हार्ट से। सो लेफ्ट हार्ट का फेलियर ही सबसे ज़्यादा कॉमन है और राइट हार्ट फेलियर उतना कॉमन नहीं है। तो जब लेफ्ट हार्ट फेल होता है तो क्योंकि दोनों हार्ट्स आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, एक हार्ट खराब है तो दूसरा भी खराब हो जाता है। तो राइट खराब होना अगर पहले शुरू हुआ तो लेफ्ट को भी खराब कर देगा इवेंचुअली, और लेफ्ट खराब हुआ तो राइट में भी हो जाएगा। सो आम दुनिया में जब कॉमनेस्ट बीमारियाँ जो कि हार्ट अटैक वाली बीमारी हैं या वैल्व्स की बीमारी हैं, अमूमन उसमें सबसे पहले लेफ्ट हार्ट खराब होता है और लेफ्ट हार्ट खराब होते होते बहुत लंबी फेज आती है जिसमें बाद में जाके राइट हार्ट पे असर होता है। तो इसीलिए अगर किसी को सही समय पे लेफ्ट हार्ट फेलियर का इलाज कर दिया जाए तो राइट हार्ट बचा रहता है। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ व्हाट वी कॉल इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। आई नो नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है बट इसको हम एलवैड कहते हैं या आपके लिए सिंपली आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। सो आर्टिफिशियल हार्ट जिसमें कि एलवैड, अब हम अपना दिल का जो पंपिंग करने का लेफ्ट वेंट्रिकल है जो कि मेन पंपिंग चैम्बर है हार्ट का, अगर उसको हम मैकेनिकली रिप्लेस करते हैं विथ अ मोटर विच इज कनेक्टेड बाय अ पावर सोर्स। सो मोटर जो कि छाती के अंदर ही लग गई, ये मोटर 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर तक भी खून आसानी से पंप कर सकती है। अब हमारा दिल नॉर्मली किसी इंसान का लगभग 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पंप करता है। ये मोटर चाहें तो हम इसको प्रोग्राम करके और बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने में ब्लड खराब होने लगता है, RBCs खराब होते रहते हैं। तो 5 से 7, 8, 10 तक तो बहुत आसानी से वो मोटर प्रोग्राम कर सकते हैं। और वो मोटर जब चलती है तो आजकल की बैटरी मिनिएचराइजेशन और आजकल की मोटर मिनिएचराइजेशन से इतना फ़र्क पड़ा है कि जो करंट लेवल के एलवेड्स हैं दैट इज़ जस्ट दिस मच इन साइज। सो ये आर्टिफिशियल हार्ट जो कि हम पूरे तरीके से पर्सन की लाइफ में इम्प्लांट करते हैं और फिर उसमें से एक केबल निकलती है बाहर, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस टेक्नोलॉजी राइट नाउ कि ये केबल बाहर आती है क्योंकि जो बैटरी है वो 8 घंटे 12 घंटे तक चलती है और आपको वो बैटरी चेंज करते रहना पड़ता है। तो इमेजिन अ पर्सन जिसको हार्ट ये आर्टिफिशियल हमने लगा दिया, एलवैड लगा दिया, अब उस व्यक्ति के पास 4 बैटरीज हैं, उसने 4 बैटरीज हमेशा चार्ज रखनी होती हैं और वो जो चार्ज होती हुई बैटरीज रहेंगी जब उसमें आता है तो 2 बैटरीज लोडेड रहती हैं, एक ख़त्म हुई तो अपने आप दूसरी टेक ओवर कर लेती है और फिर वो जो पहली बैटरी है आप उसमें एक बैटरी रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सीरीज में बैटरीज चलती रहती हैं जब तक बैटरीज चल रही हैं और थोड़ा पावर बैकअप उसमें और होता है एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए जिसके चलते इंसान चल सकता है, जब तक बैटरी चल रही है ठीक है। अब अगर आपका हार्ट पहले बहुत ख़राब नहीं हो और उम्मीद हो कि ये रिकवर कर जाएगा तो इस तरीके के एलवैड को हम बोलते हैं ब्रिज टू रिकवरी। मतलब ये
कि अगर हार्ट में पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ की लगा है जो कि वायरल मायोकार्डाइटिस या कुछ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मायोकार्डाइटिस, इस टाइप की जो कार्डियोमायोपैथीज होती हैं जिसमें कि हार्ट कमज़ोर हुआ पर हमें उम्मीद है कि रिकवर हो जाएगा, पर अभी इस हालत में तो वेंटिलेटर पर डाल दिया, दवाई दे दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा, तो ऐसे में इस तरीके का एलवैट डालने से ये मरीज, अगर उनके हार्ट में रिकवरी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद होती है, तो ये एलवैड निकाल दिया जा सकता है और पेशेंट वापस बैक टू नॉर्मल अपने हार्ट पे आ सकता है। ये बहुत ही रेयर सिनारियो होता है। उससे कहीं ज़्यादा कॉमन सिनारियो है इधर ब्रिज टू ट्रांसप्लांट या फिर डेस्टिनेशन एलवैड। मतलब ये कि अगर आपका हार्ट इतना ख़राब हो चुका है कि आपके लिए जो आइडियल इलाज है वो तो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, कि भाई किसी और इंसान जिसकी मौत किसी अनफॉर्चुनेट तरीके से एक्सीडेंट से या किसी और तरीके से हुई हो और हार्ट अच्छा हो, तो ऐसे मृत व्यक्ति का या ब्रेन डेड व्यक्ति का हार्ट अगर आपके हार्ट में डाल दिया जाए वो सबसे अच्छा इलाज है। दैट इज़ व्हाट वी डू हेयर इन गुड़गांव, वी हैव डन प्लेंटी ऑफ थिंग। इनफैक्ट हरियाणा का जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है मेरे गुरुजी ने ही किया। सो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल हार्ट की ज़रूरत होती है ऐसे मरीजों में वो तब होती है जब वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो और एंड स्टेज हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए हार्ट मिल नहीं रहा हो। अब ब्रिज टू ट्रांसप्लांट मतलब आपने एलवैड लगा दिया, अब जब भी इस व्यक्ति को आर्टिफिशियल हार्ट मिलने वाला होगा या उसका नंबर आएगा तो उस ऑपरेशन में हम पुराना हार्ट निकालेंगे, ये आर्टिफिशियल हार्ट निकालेंगे और एक नया हार्ट जो कि किसी और मृत व्यक्ति से ब्रेंडेड व्यक्ति से लिया हुआ है वो हार्ट लगाकर ऐसे व्यक्ति को अगले 20 से 30 साल तक की ज़िंदगी अगर किस्मत अच्छी रही तो मिल सकती है, वरना तो भी आफ्टर अ नेचुरल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऑन एन एवरेज मतलब 100 में से 50 लोग 13 साल तक ज़रूर और जीते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, बचने का कोई और तरीका नहीं है, वेंटिलेटर पे है, कैश एंड बर्न सिनारियो है विच वी कॉल इन आर मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ऐसे व्यक्ति को अगर आप कोई भी थेरेपी जो कि 13 साल एवरेज दे सकती है और अगर किस्मत वाले रहे तो 30, 35, 40 साल भी रह सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, दैट इज़ द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। एंड नाउ द एलवैड, अब ऐसे कई सारे मरीज थे जिनको एलवैड तो लग गया क्योंकि उस समय बहुत ज़रूरी था पेशेंट को बचाने के लिए, पर उसके बाद में उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के क्राइटेरिया में किसी न किसी कारण से वो रिजेक्ट हुए। मतलब ऐसे पेशेंट को अब ये ऑप्शन ही नहीं है कि नेचुरल हार्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो आर्टिफिशियल हार्ट तो आप खरीद सकते हो, नेचुरल हार्ट आपको अर्न करना पड़ता है। सो अगर आपके स्टेट की ऑर्गन डोनेशन कमेटी फील करती है कि यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, देन ओनली दे विल अलाउ यू टू बी इन द वेटिंग लिस्ट जिसमें आपको नेचुरल हार्ट किसी और व्यक्ति का मिलेगा। बट फॉर व्हाटएवर क्राइटेरिया इफ दे रिफ्यूज कि आपको नेचुरल हार्ट नहीं लगना है, तो एलवैड के साथ ही जीने वाले भी दुनिया में अब बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलवैड के बाद में पूरी दुनिया घूमी है, वर्ल्ड टूर किया है, फुटबॉल खेलते हैं, जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग की है, हर तरीके के लोग। अब आर्टिफिशियल हार्ट में सबसे ब्यूटी की बात तो यही है कि अगर आपके हार्ट की कंडीशनिंग नहीं भी हो तो आप तो बस जब दौड़ेंगे आपका हार्ट नॉर्मल इंसान को 5 से 10 लीटर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी कैपेसिटी, बट फॉर आर्टिफिशियल हार्ट इट इज़ जस्ट वो अपने आप कर देगा, उसकी कंप्यूटर चिप ही इतना ज़्यादा ब्लड दौड़ाने लगेगी कि यू कैन रन इंडेफिनेटली। सो दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन थेरेपी। सो ऑन एन एवरेज विद द लेटेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट पिछले जो 10 साल से चल रहे हैं, अब देर आर पीपल हु आर अप्रोचिंग 10 ईयर्स ऑफ लाइफ, मतलब अगर 100 लोगों में आर्टिफिशियल हार्ट लगा है लेफ्ट साइड में तो 10 साल की एक्स्ट्रा लाइफ वो लोग आर्टिफिशियल हार्ट से ही चला सकते हैं। Isn't it wonderful? एंड ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन और नेचुरल हार्ट इम्प्लांटेशन की भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी और ये 13 साल का जो पीरियड है जो आज हम बात कर रहे हैं वो 15-20 होने लगेगा फ्यूचर में, जैसे कि किडनी अधिकतर 15 से 20 साल तक चलती है, वैसे ही आर्टिफिशियल हार्ट जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं पिछले 30 सालों से हम लोगों के पास में, ओनली प्रॉब्लम इज द कॉस्ट। मैं कॉस्ट यहाँ वीडियो में नहीं बताऊंगा बिकॉज आई नो आप में से कई लोग कॉस्ट सुन के ही दुखी हो जाएंगे, बट कहने का तात्पर्य यह है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छे से रिफाइन हो जाती है तो ये चीज़ सब के लिए अवेलेबल रहेगी एंड इट इज़ नॉट साइंस फिक्शन, इट इज़ हैपनिंग डेली। तो जो अभी करंट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट्स हैं जो कि एलवैड्स हैं ये 10 साल तो चलते ही हैं और जिस तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी हुई है कि अभी दे आर ऑन अ मैग्नेटिकली लेविटेटेड काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी जिसमें कि आपका ब्लड किसी भी मैकेनिकल पार्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, बस ग्राफ्ट के कांटेक्ट में आता है जो कि वैसे भी हम लगाते हैं ब्लड के लिए जो ग्राफ्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स के लिए जो ग्राफ्ट होते हैं। एंड दीज थिंग्स
अब अगला फेज ऑफ इवोल्यूशन इसका ये है कि जो तार निकल के बाहर जाती है और बैटरी से कनेक्टेड होती है, आज की तारीख में प्लान ये किया जा रहा है एंड मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी होने वाला है कि दो बैटरीज पेट की मांसपेशी में अंदर ही इम्प्लांट हो जाएंगी। तो आप कहेंगे उसको चार्ज कैसे करेंगे, तो हम बताएंगे आपको। देखिए, आप अगर आज की तारीख में कोई भी स्मार्टफोन अच्छा सा रखते हो तो स्मार्टफोन में ऐसी चार्जिंग होती है जो कि इंडक्शन के बेस पे होती है, इंडक्शन मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड कॉइल्स होती हैं जिसमें आपने आईफोन रखा पैड पे, आईफोन चार्ज हो गया। तो वैसे ही अगर आप सोने गए और बैटरी की लाइफ ऐसी है जो 24 घंटे चलता है तो डेली सोते समय वो बैटरी चार्ज हो सकती है आपकी। सो ये है नेक्स्ट पोटेंशियल, जैसे ही बैटरी टेक्नोलॉजी में और मिनिएचराइजेशन हुआ जो कि हम इम्प्लांट कर पाए, और ट्रांसक्यूटेनियस चार्जिंग इसको बोला जाता है। ट्रांसक्यूटेनियस चार्जिंग मतलब चमड़ी के नीचे अगर बैटरी है तो चमड़ी पर पैड रख देने से अगर वो आपकी बैटरी को चार्ज करे तो डेली नाइट में बैटरी से जैसे आपका ब्रेन रिचार्ज होता है वैसे ही बैटरी रिचार्ज आर्टिफिशियल हार्ट की हो सकती है, और उस बैटरी से आप पूरा दिन अच्छे से निकलते हैं और कोई तार आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल रही। दैट इज़ द साइंस फिक्शन वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड, और यह भी मेरे हिसाब से 5 से 10 साल के अंदर होने वाला है। कीमत ज़्यादा रहेगी, बट वी आर लिविंग इन अ कंट्री जिसमें कि करोड़ों की कारें लोग खरीद रहे हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ के घर लगातार बिक रहे हैं। मैं वो 1000-2000 करोड़ वाले घरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। देयर सो मेनी पीपल हु आर सुपर रिच। तो शुरुआत में सुपर रिच के लिए बहुत ही इजीली हो जाएगा इस तरीके का काम, बट आई प्रॉमिस यू अगर इस टाइप की परफेक्ट टेक्नोलॉजी बन गई जो कि आप इम्प्लांट करने के बाद में बैटरीज भी अंदर लग के चार्जर लगा सकते हैं, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग स्केल इतना ज़्यादा होगा कि हर किसी इंसान के लिए इवेंचुअली अवेलेबल रहेगी। फिर आपके पास शायद ऑप्शन ही रहेगी नया घर खरीदें कि नया हार्ट खरीदें, उतना कीमती तो हमेशा ही रहेगी टेक्नोलॉजी। बट अगर आपकी ज़िंदगी में 10-15-20 साल ऐड कर सके तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम सबको चाहिए, एंड दैट्स नॉट अ साइंस फिक्शन एनीमोर, दैट्स अ रियलिटी। तो एलवैट के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया, बट अब वी आर वर्किंग ऑन डिवाइसेस ऑल्सो। सो दुनिया में इकलौता पहला ऐसा आर्टिफिशियल हार्ट भी है जिसमें हम राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट दोनों को ही बदल सकते हैं। एंड अगेन उसमें सिमिलर होगा कि ड्राइव लाइन्स आएंगी, और इन ड्राइव लाइन्स में यूजुअली बैटरी के बजाय एयर से पुश करते हैं। सो न्यूमेटिक ड्राइव लाइन्स जिसमें कि बाहर से एक पंप हवा फेंकेगा और अंदर से वो ब्लड पुश होगा उस हवा के डिस्प्लेसमेंट से। इस तरीके से आर्टिफिशियल हार्ट अभी पिछले 8 से 10 सालों से ट्रायल्स में चल रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स में, एंड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन FDA ने उसको अप्रूव किया हुआ है फॉर द पीपल जो कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हैं तो आप ऐसा बाईवेंट्रिकुलर या फिर टोटल आर्टिफिशियल हार्ट लगा सकते हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं अभी भी इनकी, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट अबाउट द कॉर्नर। कीमतें कम होंगी, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे कीमतें कम होंगी। अगर आपको आज की टॉप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में हमें लाइक्स दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।